हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा अक्रम नाम है भाई जी। अक्रम, अक्रम भाई, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए दिल्ली का इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? काम सही करा रहा हो। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है? रोड बनना है, सब जगह काम हो गया। अच्छा, 370 के मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी बहुत चेंचे कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कश्मीर के मामले में? गलत, 370 हटाना सही है। ठीक है, आपका क्या नाम जनाब? अली वारिस नाम है साहब। अली वारिस जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही नेहरू विहार 14 नंबर गली में रहता हूँ। अच्छा, 14 नंबर गली में। इस बार आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भाजपा का होना चाहिए जी। अच्छा, कौन भाजपा से? कौन होना चाहिए? अब ये जो भी पार्टी नीति मतलब तय करेगी। अच्छा, ऐसा क्या है बीजेपी में? बीजेपी में ऐसा है कि जो बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास उनका जो नारा है वो बहुत अच्छा है, और अमित शाह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोग तो बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग तो केजरीवाल को पसंद करते हैं दिल्ली में? लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं। केजरीवाल ने अभी तक कोई काम नहीं करा, वो कहते हैं कि सीसी कैमरे लगे नहीं आपके यहाँ? सीसी कैमरे नहीं लगे? सीसी कैमरे कोई भी नहीं लगे अभी तक, कोई सीसी कैमरा नहीं लगा, कोई नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पे स्कूल कैसे खुले? स्कूल खुले हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा स्कूल में, वो सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है। अच्छा, कोई अस्पताल खुलवाया यहाँ पे केजरीवाल? अस्पताल हमारे एरिया में कोई अस्पताल भी कोई भी अस्पताल खुला कोई नहीं है। बैंक है मुस्तफाबाद में? कोई बैंक मुस्तफाबाद में नहीं है जी। तो कांग्रेस ने क्या कराया है पिछले 5 साल? कांग्रेस कांग्रेस में भी कुछ नहीं कराया जी। तो बीजेपी को क्यों पसंद कर रहा है? बीजेपी ने भी तो नहीं कराया। बीजेपी को तो पसंद इसलिए कर रहे हैं ना कि जी मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तलाकों का काम बहुत बढ़िया करा है, उससे पब्लिक सारी खुश है। नहीं, मुस्लिम औरतें तो खुश नहीं साहब? नहीं, मुस्लिम औरतें बहुत खुश है, बहुत खुश है। मैंने कम से कम कुछ भी नहीं है तो 300-400 औरतों से मिला हूँ, वो सब कहती है कि बीजेपी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहले मुसलमानों की मोदी जी की नीतियाँ समझ में नहीं आई थी जी, अब मोदी जी की नीतियाँ उनकी समझ में आ चुकी है जी, तो वो उनको पसंद कर रहे हैं। लाखों की तादाद में मुसलमान बीजेपी में जुड़ चुका है। अच्छा, इस मौके पर जैसे कि दशहरे का शुभ अवसर का मौका है, इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, सभी धर्मों के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, दिल ही मुबारकबाद। भाई आपका क्या नाम है? इरफान जी। इरफान भाई, आप कौन?